दिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। निर्णय हवालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। जी हाँ, बिल पर बढ़ती हुई सियासत और सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा बचा हुआ है। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं जब्बार खान। हर दिन की तरह आज भी हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके सामने आए हैं उसके पक्ष अपने हैं, विपक्ष अपने हैं, मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो राजनीति गरमा रही है उसकी एक अपनी अलग शनाख्त और पहचान बनती हुई जा रही है। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है भारी बहुमत के साथ, जैसा कि उम्मीद थी सरकार को, मगर अब बुधवार को राज्यसभा के पटल पर पेश किया जाएगा और वहां पर क्या सरकार के लिए चुनौती हो सकती है, क्या कुछ वो सहयोगी दल सरकार के साथ में जो कि हैं वो इस बिल का विरोध कर सकते हैं। इस बीच में कुछ पार्टियों की तरफ से ऐसे भी संशय की स्थिति बनती हुई दिख रही है, मगर सवाल इस बात का है कि क्या वाकई नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट बिल जो है वो देश हित में नहीं, देश के संविधान के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है, और अगर ऐसा है तो सरकार क्यों ला रही है। मगर सरकार जिस बात का जवाब जो दे रही है वो ये कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए बल्कि शरणार्थियों के चश्मे से देखा जाए, उन लोगों के नजरिए से देखा जाए जिनको मदद की जरूरत है और जो तीन देशों के अंदर माइनॉरिटी में है, यानी कि अल्पसंख्यक है जो कि गैर मुस्लिम है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अब जबकि काउंटडाउन इसका चल रहा है कि राज्यसभा में सरकार पास करा पाती है, कुछ ही घंटों के बाद में वहां पर पेश किया जाना है, मगर चर्चा हम इस बात को लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि चैलेंजेस सरकार के सामने क्या वाकई है राज्यसभा के अंदर, या फिर इस बिल पर इतना ज्यादा हाहाकार क्यों मचा हुआ है। शुरुआत करें चर्चा की, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे मैं कराऊं, लेकिन उससे पहले आइए अब तक के अपडेट पर एक निगाह इस रिपोर्ट के जरिए। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? कभी तीखे तेवर और कभी भावुक बयानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास करा लिया। रात 12:04 पर हुई वोटिंग में 311 वोटों के साथ लोकसभा में बिल पास हुआ। हवालों के प्रश्न हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब बारी राज्यसभा की परीक्षा की है, लेकिन बिल पर सियासत के नए नए तेवर और तीखे तंज जरूर सामने आ रहे हैं। जब बहिष्कृत सांसद के मेरी आंखों के सामने उन बुजुर्गों की तौहीन हो रही है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, जिसमें तमाम मजहब के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क को आजाद करवाया और हमने खूबसूरत संविधान अपने आप को दिया और सिटीजनशिप मजहब के नाम का कहीं जिक्र नहीं है, आज ये सरकार अपनी ताकत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर एक कानून बनाने जा रही है, तो मेरी नजर में ये उन तमाम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन है। ताकत के बल पर फैसला हुआ है और ताकत भी बड़ी ताकत है, अपोजिशन की तादाद कम है, अपोजिशन कितनी ही सही बात कहे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अच्छे लोकतंत्र की मिसाल यह है कि सत्ता पक्ष को अपोजिशन की सही बात को न सिर्फ ये कि सुनना चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए। आप जब धर्म की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे हैं तो निश्चित तौर से आप किसी के खिलाफ हैं और किसी की हिमायत में हैं। आप अगर ये कहते हैं कि इन कंट्रीज से जो भी आएगा परेशान होके आएगा हम उसकी सिटीजनशिप देंगे, तब आपकी बात को सच माना जाता। आपने कहा इस धर्म के लोगों को देंगे, इस धर्म के लोगों को नहीं देंगे, उसके बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है तो ये हास्यास्पद है। विपक्ष के आरोप साफ है, सरकार जिस बिल के जरिए शरणार्थियों को जगह देने का इंतजाम कर रही है उस बिल में मुसलमानों का नाम ना होने को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देर रात तक चली बहस में केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ किया कि देश के मुसलमानों से इस बिल का कोई वास्ता नहीं। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं,
और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। लोकसभा में बिल पास होने के साथ ही संसद के साथ ही सड़कों पर भी बिल पर बवाल शुरू हो गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में दुकानें बंद कर जबरदस्त विरोध किया गया, हजारों लोग सड़क पर आ गए, सरकार के फैसले के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। लेकिन लोकसभा से पास होने के बाद सरकार की अब अगली परीक्षा राज्यसभा में होनी है। लोकसभा में बिल को मिला समर्थन देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि राज्यसभा में बिल की राहें मुश्किल नहीं। हाल ही में पाला बदलने वाली शिवसेना ने लोकसभा में तो बिल को समर्थन दिया, लेकिन राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही उसके तेवर बदले बदले से नजर आए। सिर्फ वो बात मैं नहीं करना चाहता किसी समाज के लिए या मजहब के लिए, हर एक नागरिक है, मेरे देश का नागरिक है, और उसके मन में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। जाहिर है नागरिकता के नाम पर सड़क से संसद तक संग्राम है, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों में बिल को लेकर डर किस बात का है, और बिल पर शुरू हुई सियासी बयानबाजियों के जरिए कौन अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएनआई टीवी। और चर्चा की शुरुआत से पहले आइए उन सवालों पर एक निगाह डालते हैं जो कि आज उठ रहे हैं आरएनआई टीवी के माध्यम से। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बहाने सियासत चमकाई जा रही है, या फिर बिल के बहाने कोई और राजनीतिक साजिश तो नहीं है जैसा कि कहा जा रहा। साथ ही साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में भारतीय मुस्लिमों का जिक्र नहीं तो परेशानी क्या है, क्योंकि अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों के लिए है, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता से विपक्ष को आखिर इतनी परेशानी क्यों है। राज्यसभा में बिल को कैसे पास कराएगी बीजेपी की सरकार, क्या चैलेंजेस हैं उसके सामने। राम मंदिर धारा 370 के बाद में अब क्या ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा जिसका आरोप विपक्षी दल सरकार के ऊपर भी लगा रहे। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। एक पूरा पैनल है जिनके जरिए हम आज फिर समझने की कोशिश करेंगे। रेणु भाटिया जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर, जो बताएंगे कि ये बिल कैसे उन लोगों के आरोपों को खारिज कर रहा है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए है। साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी जो कि आरोप लगा रही है धर्म के बुनियाद पर देश को तोड़ने का, बताएंगे मनोज तिवारी जी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल मिश्रा जी, जो इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें छुपी हुई है उस पर जिक्र और चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो बताएंगे कि आखिर इस पर राजनीति क्या वाकई हो रही है, और अगर राजनीति हो रही है तो यह कितना खतरनाक है। साथ ही साथ में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर और शहाबुद्दीन सैफी साहब हमारे साथ में जुड़े, समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक है इनका, जो कि बताएंगे कि इस बिल को लेकर के आखिर सपा जैसी दूसरी पार्टियां क्यों हंगामा कर रही है। साथ ही साथ में हिंदू धर्मगुरु के तौर पर चेतनानंद सरस्वती जी के, आखिर उन लोगों का दर्द कौन समझेगा जो इन तीनों देशों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक होने की वजह से उत्पीड़ना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ में संजय द्विवेदी जी शिवसेना के प्रवक्ता और नेता हमारे साथ में जुड़े हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि शिवसेना ने लोकसभा में सपोर्ट तो किया मगर राज्यसभा की बात आते आते अपने सिर आखिर शिवसेना बदलने क्यों लगी। अब ऐसी स्थिति में इस चर्चा की शुरुआत आज में दो, जिन धर्म की बुनियाद पर या जिस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि देश को बांटने की कोशिश है विपक्षी दलों की तरफ से, मैं आज इसीलिए धर्मगुरुओं के जरिए इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। मैं शहाबुद्दीन सैफी साहब आपके जरिए से आज की चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला ये बिल आखिर कैसे हो गया, जबकि शरणार्थी और अल्पसंख्यक उन तीन देशों में जिन्हें धर्म के नाम पर वहां पर उत्पीड़ना झेलनी पड़ती उनके लिए ही महज बनाया जा रहा, ये कैसे देश को तोड़ने वाला हुआ। देखिए जुबेर भाई, सीधी सी बात है, हम देश कौन सा चाहते हैं, सावरकर और जिन्ना वाला या बाबा साहब अम्बेडकर वाला और गांधी जी वाला। सरकार उसका निर्णय करे, जो रथ से भरा हुआ देश चाहिए वो, या गांधी जी वाला जो भाईचारा वाला देश था, जिन लोगों को अलग देश चाहिए था वो जा चुके थे यहाँ पर, हम यहाँ जबरदस्ती नहीं रुके थे, किसी ने कोई नहीं कहा था। नहीं तो आप लोगों को या मुसलमानों को इस बिल में कहा ऐसा प्रावधान किया गया है कि सताया जा रहा है। मेरी पूरी बात मैं उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान में बलोचों के साथ भी अत्याचार होता है और शियाओं के साथ भी होता है, क्योंकि उनकी तादाद कम है, उनको क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही, और मुसलमानों को ये अलग क्यों किया गया, क्योंकि सरकार की नेत में फतूर है, उसका इस राजनीति से अलग मुद्दा है बिल्स
उनका कोई सहारा नहीं, इसको एनआरसी से जोड़ कर देखिए आप, उनको जो पॉलिसी है असम में क्या हुआ, इनको असम में ये फेल हो गए, जो इनकी प्लानिंग थी वो सारी फेल हो गई। इन्होंने कहा 2 करोड़ घुसपैठिए आ गए, 2 करोड़ वहाँ नहीं निकले, वहाँ पर निकले सिर्फ 4 लाख, 15 लाख जो निकले वो हिंदू भाई निकले, और वहाँ पर जो इनको हुआ तो उल्टी मुँह की खानी पड़ी। उसी के लिए नागरिक संशोधन बिल जो लेकर आए वो देखा है कि उनको नागरिकता दी जाए, और मुसलमान 4 लाख लोगों के लिए जिन्हें आप मुस्लिम बता रहे हैं उनके लिए सरकार ने मना तो नहीं किया है कि इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, देखिए उनके लिए कोशिश प्रावधान प्रक्रिया भी बाकी है ना सर। जुबेर भाई कौन से उसकी नागरिकता मिलेगी, दोयम वो पहले ये साबित करे कि हम कहां से, जब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आप कैसे साबित करोगे कौन से देश के कहां से आए वो, आप कैसे साबित करोगे उनको? तो फिर आप शरणार्थियों और घुसपैठियों में आप कोई फर्क नहीं करेंगे? नहीं फर्क, इन देशों को आप क्या बात, मेरी बात सुनिए, हिंदू बहुल राज्य मानते हैं इन देशों को, सरकारों की जिम्मेदारी है जो अपने बॉर्डर को सील नहीं कर सकी, शरणार्थी सरकार की गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है। देखिए हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे उनकी गलती नहीं है, जो हिंदुस्तान में लोग हैं उनकी गलती नहीं है। आज 10 साल बाद किसी को डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, आप 50 साल के डॉक्यूमेंट मांगे को एनआरसी में मांगो कहां से लेकर आएगा आदमी? और जो हिंदुस्तान में लोग रहे गरीब मजदूर रहे देहातों में, आज भी जाके देखिए आज लोगों के पास 40% तो दिक्कत ये कि शरणार्थियों को या जो उन 3 देशों में मुस्लिम देशों में जो मजलूम है उनको आप या तो घुसपैठी मान रहे हैं या तो उनकी मदद करने के लिए सरकार के जरिए उठाए गए कदम पर आपको एतराज है, बस सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। आप नेपाल में प्रतिक्रिया ले लूं, सबसे श्रीलंका से क्यों नहीं कहा आपने? आप इन्हीं 3 देशों से क्यों कह रहे हो? और शरणार्थी तो वहां और भी लोग हैं ना, वहां शिया भी है, बलोच भी है। या तो आप सारी चीजें समझ करके जनता तक वो बात रख नहीं रहे। इन्हीं 3 देशों के लिए क्या 1955 का एक्ट नहीं कहता है कि साहब इन्हीं 3 देशों के लिए बनाया गया है? उसी एक्ट में तो मोदी सरकार इसमें अमेंडमेंट कर रही है, कोई नया एक्ट कोई नया कानून थोड़ी ला रही है, उसी में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। तो क्यों, क्या बदलाव है? मुसलमानों से एलर्जी क्या? अवधि घटा दी जा रही है, 11 साल से 6 साल अवधि कर दी जा रही है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं चेतनानंद सरस्वती जी। अब ऐसे में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक लकीर खींचने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा आरोप लग रहा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बिल को लेकर के विरोध होने लग गया है। सवाल यह कि अगर जैसा कि आरोप लग रहा है अगर इसमें नेपाल श्रीलंका या फिर जैसा कि अभी इन्होंने शाहबुद्दीन साहब ने जिक्र किया पाकिस्तान में जो शिया है कम तादाद में है या फिर बलोच का जिक्र किया वहां पर अगर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को भी इसमें जोड़ लिया जाता तो दिक्कत क्या थी? या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सब कुछ होना चाहिए जैसा क्या जी है? मुझे लगता है कि शायद लोग उस बंटवारे की दुर्दशा को भूल गए जो कल अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा कि 1900 आज लकीर नहीं खींची जा रही, लकीर तो उसी दिन खींच दी गई थी इस देश में जिस दिन यहाँ धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था, और एक बार नहीं 2 बार इस देश को बांटा गया, 3 बार बांटा गया, बार बार बांटे आप बार बार ये कोशिश करते हैं कि इस देश को बांट दिया उस जाए। गलत और हुआ तो फिर उसको उसका सहारा लेकर के आज एक और चीज को जस्टिफाई किया जा रहा है से आए हुए लोगों की, पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू यहाँ आया है वो किस दुर्दशा में है, मैंने वो दुर्दशा देखी है जब्बार जी, 2-2, 3-3 साल के बच्चे बुखार में तपते हुए वहां से लेकर भागे और यहाँ उनको कोई भी रहने की ठिकाना नहीं था। तो आज अगर सरकार एक प्रयास अपने हमारे हिंदू भाइयों के लिए करना चाहती है तो इतना दर्द आखिर हो क्यों रहा नहीं, है? नहीं, जो जिनको दर्द हो रहा है वो कह रहे हैं कि साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे लोगों को शरण मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को शरण मिलना चाहिए, मगर के लिए 56 देश हैं, मगर उन लोगों को अगर इस बिल में जोड़ लिया जाए जो इस्लामिक, अगर उनको भी जोड़ लिया जाए, पड़ोसी तीनों देश है, तीनों पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर के आसपास हमारे देश से लगती है, ये दोनों देश तो एक वक्त में भारत का हिस्सा ही थे। मैं कह रहा हूँ इनका आरोप यह है कि अगर उन मुस्लिम को भी जोड़ लिया जाए तो क्या दिक्कत कहां आ जा रही है? जोड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहां 56 देश हैं उनके लिए खुले हुए, लेकिन हिंदुओं के लिए मात्र एक देश हिंदुस्तान का रास्ता खुलता है और वो लोग ना पाकिस्तान में जा सकते हैं, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थी, तो यही वजह है कि क्या उन मुस्लिम देशों ने पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेका ले रखा है या नहीं, तो या, क्या हिंदुस्तान या हिंदू ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका वही रखा वही सवाल वही आ रहा है इन लोगों के आरोप यही है कि क्या हिंदुस्तान ने तमाम देशों के हिंदुओं का ठेका ले रखा है अपने देश को छोड़कर के? ठीक है 40 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं ले जा रहा हूँ संजय द्विवेदी जी की तरफ जो कि शिवसेना के प्रवक्ता है। संजय द्विवेदी जी, आपने लोकसभा के अंदर तो सपोर्ट कर दिया कि साहब बिल पेश किया जाए या बिल पास कराया जाए,
मगर अब जब राज्यसभा में बारी आती है, जहां आपको लगता है कि यहां पर सरकार के साथ में धोखा किया जा सकता है या सरकार को किसी तरीके से कमजोर किया जा सकता है, इस बिल को पास कराने के माध्यम से आप करें साहब, हम विचार करेंगे, हमारे कुछ सवाल है, उनके जवाबों को आप क्लियर कीजिए, नहीं तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे। जवाहर जी, ये आप बात सही है, लोकसभा में हमने किया, लेकिन लोकसभा में मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे जिनका उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। मैं एक दूसरी बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ सबका विकास, आज इस अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, आज प्याज के दाम यहाँ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, माननीय वित्त मंत्री जी कहती थी मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो अगर वो प्याज नहीं खाती है तो देश में सब लोग प्याज खाना छोड़ देंगे। अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, आज जिस तरह से ये आज कोई भी लाया जाता है, ठीक है, कम से कम अब सवाल ये संजय द्विवेदी जी, सवाल ये, और हमारे पैनलिस्ट को भी एतराज इस बात का, और मुझे भी बड़ा सख्त एतराज है कि हम लोग जिस बात को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी और वक्त में सरकार की आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर लेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि वोट बैंक कैसे जोड़ेंगे, वोट बैंक। अरे सर, तो आपको लोकसभा के अंदर उनका समर्थन नहीं करना चाहिए था। अरे सर, सियासत कौन कर रहा है, क्या शिवसेना इसमें सियासत नहीं कर रही है, शिवसेना इसमें सियासत नहीं कर रही है, संजय द्विवेदी जी सबसे ज्यादा सियासत मुझे लगता है कि शिवसेना ही कर रही है, लोकसभा में सपोर्ट करके उसके बाद में विरोध में उतर रहे हैं आप लोग। सर सवाल ये है कि सरकार के कामकाज और नीतियों की समीक्षा हम करेंगे, हमने पूछा लो, जवाब दिया अभी तक भाई, जब ये टोटल बिल जो है राजनीतिक बिल है, ये टोटल राजनीतिक, तो आपको नहीं करना चाहिए था समर्थन, ना लोकसभा में आपको समर्थन नहीं करना चाहिए था, राजनीति के लिए बना ये बिल, आपने लोकसभा के अंदर समर्थन क्यों कर दिया, जवाब तो तब भी आपको नहीं मिला था, वोट बैंक की। अरे सर, जवाब तो तब भी आपको वहां नहीं मिला था ना, कहा तो लोकसभा में, मैंने कहा हमारे ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए, जवाब जी मैंने पूछा तो जवाब दिया अभी तक, ठीक है, आपका जवाब मैं दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाऊं, हालांकि शुरुआत मुझे एक कमेंट सबसे लेना, मैं मुझे लगता है कि एक कमेंट यहां पर रेणु भाटिया जी की तरफ से मैं लेता हूं, आप ही का सवाल मैं उनकी तरफ ले जा रहा हूं, संजय द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं रेणु भाटिया जी, रेणु जी सवाल ये कि शिवसेना को एतराज इस बात का है कि राजनीति चमकाने के लिए या हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए ये एक मैसेज देने की कोशिश है, देखो हमने अपने उस घोषणा पत्र में जिक्र किया था, उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया ताकि आगे आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों के चुनाव में या आपको समर्थन जनता का मिलता रहे। देखिए जबार भाई, मुझे तो ये ताज्जुब है कि आपने संजय जी को बिठाया और इनको विषय की जानकारी भी नहीं है, फिर भी अगर आपने इनको जानकारी फिर आके आपने इनको बोला कि ये आलू प्याज का विषय नहीं चल रहा, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ विषय चल रहा है, तो उस पर इन्होंने कहा कि ये राजनीति चमकाना चाहते हैं, शर्म मुझे ये कहने में आ रही है, इनको शायद नहीं लज्जा लग रही, पर मुझे ये लज्जा लग रही है कि ये वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुत्व की वजह से बाला साहेब ठाकरे जी की वजह से हिंदुत्व के आड़ में जो लोग आज यहां तक पहुंचे हैं, वो आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो राजनीति कौन कर रहा है, संजय जी को गहराई से सोचना चाहिए कि आप केवल वोटों की राजनीति के लिए आपने किस तरह का समर्थन दिया, किस तरह से आप तीनों लोग जुड़े और क्या किस सोच के साथ जुड़े और आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और आप कहते हैं वोट की राजनीति, मुझे ऐसा लगता है आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा, आपको अंदर झांक कर समझना होगा कि आप चाहते क्या है देश में, आप क्या हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं, इसीलिए बाला साहब के नाम राष्ट्रवादी पार्टी जोड़ते हैं, राजनीतिक वोट बैंक की बात करना चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा गठबंधन किया कि जब अपने वोट की बात आए तो हिंदू की बात करूं, जब अपनी गद्दी की बात आए तो उनके साथ जुड़ू, मुझे लगता है थोड़ी सी लज्जा तो इस बात के लिए आनी चाहिए, आपको पूरा महाराष्ट्र एक अलग नजरिए से देखता था, जिसका नजरिया तो आपने धूमिल किया, तोड़ा उनकी विचारों की जो सोच थी आपके प्रति उसको आपने धूमिल कर दिया, आज आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उन लोगों को पनाह देने की बात करते हैं जो यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, हम लोग केवल ये कहते हैं शरणार्थी और घुसपैठियों में फर्क समझिए, कम से कम आप तो समझिए, अगर आप सही मायने में मैं आप दोनों की तरफ आ रहा हूँ, और संजय द्विवेदी जी मैं अगली बार मैं थोड़ी देर में जवाब की तरफ आऊंगा, मेरा सवाल आपसे ये होगा, ठीक है मैडम, मेरा सवाल संजय द्विवेदी जी आपसे ये होगा कि क्या शिवसेना के हिंदुत्व की लाइन अब उसमें जंग लग चुकी है या अपने उस लाइन से हटने की कोशिश कर रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, इसका जवाब तैयार रखेगा, मगर मैं संदीप चौधरी जी, ये तमाम चीजें पिछले कुछ दिनों से 2016 से देखने और सुनने को मिल रही है,
सियासत अपनी जगह पर है, सत्ता पक्ष का अपना एजेंडा है, विपक्षी दलों का अपना एजेंडा है, मगर इन तमाम चीजों के बीच में क्या वाकई इस पर सियासत हो रही है या वाकई जो विरोध हो रहा है उस विरोध में दम है? देखिए जुबेर भाई, मैं आपको बताऊं, सियासत हमारे यहाँ पे होती है, इसलिए मैं आपको दो लाइनों में बताना चाहता हूँ कि मुसीबतों में निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न टकराए वो झरना किस काम का। ये जो स्थिति है ये टकराव की स्थिति है, और ऐसे में जो अमित शाह ने ये एक बिल पेश किया है ये अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है। और आपको बताऊं, जहां हिंदू मुसलमान की बात होती है, अदनान सामी को भी यहाँ पे नागरिकता मिली है, तस्लीमा नसरीन को भी नागरिकता मिली है, ये उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो मुसलमानों की बात करते हैं। और जब यहाँ पे तीन चार देश बने हैं, आप मुझे ये बताइए जो बांग्लादेश के अंदर कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसकी परसेंटेज दिन पर दिन गिरती चली गई, आज खत्म होने के कगार पे है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसकी प्रतिशत जो गिरता चला गया? ये आरोप लगाने वाले ये नहीं, कह रहे हैं, ये मैं आरोप कह रहे हैं, ये तथ्यों के आधार जुबेर भाई, जो लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या इस तर्क में कोई दम है? विपक्षी दल ये कह रहा है कि साहब आप इस बात को बुनियाद बना रहे हैं कि वहां पर परसेंटेज घट करके पॉपुलेशन का, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का घट करके 2% के आसपास आ चुका है, 24% आजादी के वक्त या बंटवारे के वक्त में रहा होगा। क्या वो ये कहते हैं कि साहब वहां से माइग्रेट करके, आजादी के बाद माइग्रेट करके भारत में आते चले गए, इसलिए उनकी आबादी वहां पर बढ़ी नहीं है? जुबेर भाई, ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ओवैसी साहब बात करते हैं या विपक्ष के कई लोग बात करते हैं, दो लाइनों में, सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे, ये लोग देश को जलाने के लिए बैठे हैं, ये लोग आग बुझाने वाले नहीं है, ये आग लगाने वाले हैं। एक जिन्ना तो चला गया बांट के, दूसरा जिन्ना ओवैसी जैसा देश में तैयार हो रहा है, जो आज मुसलमानों को धार्मिक आधार पर तैयार कर रहा है, एकजुट कर रहा है, वो डेवलपमेंट के नाम पर क्यों एकजुट होने की बात नहीं करता, वो और लोगों की बात क्यों नहीं करता, वो केवल मुसलमानों की बात क्यों करता है? तो ये आने वाले खतरे को भांप के ये सारी चीजें तैयार हो रही हैं, इनसे बचने की जरूरत है, हमें संगठित होने की जरूरत है, मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, ना कि इन चीजों अनिल मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है। अनिल मिश्रा जी, इन तमाम चीजों को आप बहुत नजदीक से देखते हुए, कवर करते हुए लंबे समय से आप आए हैं देश के सियासत को, अब ऐसे में क्या ये वाकई बीजेपी की अपनी मजबूरी है कि उसने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया था इसलिए उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, या वाकई बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस एक एजेंडे से देश के हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा जा, हमेशा लंबे समय तक के लिए जोड़ करके रखा जा सकता है जैसा कि कहा जा रहा है? नहीं, ये करने में शायद मुझे कोई शक नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए। देश की राजनीति के क्या हालात हैं पिछले कुछ सालों से आप देख ही रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत सीधा सा है, देखिए पूरी की पूरी राजनीति है और राजनीति कोई एक नहीं कर रहा है, केवल सत्ता पक्ष या बीजेपी नहीं कर रही, राजनीति विपक्ष भी कर रही है। सत्ता पक्ष जहां अपनी बात कहता है काफी हद तक सही तर्कों के आधार पर लग रहा है, लेकिन उलट आप देखें तो विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा कहीं से गलत नहीं लगा रहा। उनके पहलुओं पर अगर जाए तो शायद पूरे दिन चर्चा हो सदन में हो रही तो उसका जवाब नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम लोग चूंकि टीवी डिबेट में बहुत शॉर्ट में बोलना रहता है, बहुत सीधा सा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। जो आपका प्रश्न है कि उनके अपने घोषणा पत्र में था इसलिए लाया गया है, उनके घोषणा पत्र में तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं और वो जो ज्यादा इससे ज्यादा आवश्यक है, लेकिन उनको नहीं छुआ जा रहा है, छुआ उन पहलुओं को जा रहा है जो जिसको कहते हैं राजनीति, जिसको कहते हैं सियासत। अगर आप पिछले 2-3 साल की राजनीति में देखें तो जिस ढंग से पार्टी अपने लाइन से हटकर सबका साथ सबका विकास के बाद अगर एक तीसरा शब्द जोड़ा था सबका विश्वास, उससे कहीं थोड़ा सा मैसेज इतर जा रहा था जो उनके अपने उत्तर थे। उन भटकते वोटरों को अगर आप चुनाव, चूंकि आप एक पत्रकार के हैसियत नजरिए देखिएगा कि कुछ जो 2-4 स्टेट के चुनाव हुए कहीं ऑटो प्रतिशतों में या पूरे के पूरे स्टेट जिस ढंग से थोड़ा खिसकते नजर आए, तो वो जो एक रूपरेखा थी जो बनी थी उसके पहले, वो जो बिखर रहा था उसको संवारने का एक प्रयास है। राजनीति है, राजनीति सब कर सकते हैं, लेकिन हाँ सैद्धांतिक रूप में अगर भारत के देश के रूप में कहा जाए, चूंकि देश ही सबसे बड़ा होता है, तो जो प्रश्न उठ रहे हैं निश्चित रूप से भारत की जो एक महानता है, भारत की जो एक पूरे विश्व में जो एक स्वीकार्यता है, और हम तो और हिंदुत्व की बात, तो हिंदुत्व में हमारी आचार्य जी बैठी हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखती हैं, भाई लोग भी जानते हैं, लेकिन हिंदुत्व का एक और है वसुधैव कुटुंबकम, अगर एक लाइन में कह दे, या
हिंदुत्व का हमेशा रहा है और रिकॉर्ड रहा है हमारे भारत का, खासकर कि शरणार्थी कोई भी हो, जो भी कहीं भी प्रताड़ित किया गया है, हमारा इतिहास 10,000 साल का बताता है, हमने उसको स्वीकारा है और स्वीकार के अपने यहां शरण ली है, ये तो हमारी महानता है। लेकिन अब ये जो विवाद का मुद्दा है कि अब इसको समझने वाले हर जनता को समझना चाहिए, वो शरणार्थी प्रताड़ित है इसलिए हम उनको अपने आदे, लेकिन गैर मुस्लिम, तो ये शब्द लगाना, यहीं से राजनीति शुरू होती है, यहीं से सियासत शुरू होती है, और विपक्ष को केवल सारे धर्मों को अपनाया गया लेकिन गैर मुस्लिम को छोड़ दिया गया या मुस्लिम शब्द प्रयोग कर लिया गया, कि ये जो उनकी अपनी सियासत है उसको उनको चमकाना है, ये भारत। ऐसे में मुझे लगता है कि चेतनानंद सरस्वती जी, सरकार का अपना एजेंडा कुछ भी हो, जैसा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, वसुदेव कुटुंबकम की जो नीति है, जो लाइन है, अगर उसी के जरिए से मुस्लिम शरणार्थियों को भी नागरिकता देने का प्रावधान करने का इस बिल के अमेंडमेंट में उन्हें भी जोड़ दिया जाए, तो क्या हिंदू धर्म की एक उदारता, एक बड़ा दिल, जो कि सरकार अगर नहीं दिखा रही है, आप लोगों की तरफ से ऐसी आवाज उठे, मांग उठे, क्या इसमें कोई बुराई है? हम सरकार के समर्थन में हैं। जब बार जी 100% सरकार आज जो बिल लेकर आई है वो सत्य है और होना आवश्यक है। हम तो मानते हैं माता से पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ता शय, स्वदेशो भुवंत्रयम्। हम तो मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी हिंदू हैं, जो महादेव शिव के भक्त हैं और जो माँ पार्वती की संतान हैं, वो सब भाई हैं, उन्हें हम स्वीकार कर रहे हैं। उसमें पारसी, यहूदी, जैन, सिख कहाँ हम मतभेद कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो म्यांमार से मारकर भगाए गए, कारण क्या था कि वो नरभक्षी थे, उनकी स्वीकार्यता इस देश में हो सकती है? कभी भी राक्षसों की स्वीकार्यता संभव नहीं है। सिर्फ इसलिए ये बिल लाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में सुनंदा वशिष्ठ ने सबकी आंखें खोल दी। हम लोग चीख चीख कर कहते रहे कि वहां मानवों का मांस मारकर, कौन सी सभ्यता की बात करते हैं आप? नहीं, ठीक है, जिस सभ्यता के अंतर्गत ठीक है, आपकी बातें सब कुछ मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, सुनंदा चूंकि बहुत बारीक सिलाई है इन तमाम चीजों के बीच में, बहुत बारीक सिलाइन है। आप ही के नजरिए से अगर म्यांमार से आए हुए लोगों को, मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को तो नरभक्षी भारतीय सरकार ने नहीं बताया, कुछ लोगों को तो कैंप में रखने के लिए कहा गया और वो लोग हैं भी यहाँ पर, मगर उन लोगों को जिनके बारे में नरभक्षी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको तो सशर्त इस अमेंडमेंट में जगह दिया जाना चाहिए ना। वैदिक संस्कृति को आखिर बार बार मिला क्या? एक और बंटवारा, एक और विभाजन, एक और बार बार लाशों से सनी हुई लाशें हमारे सामने हमारे लोगों की मिली, खून से सने हुए व्यभिचार किए हुए शव मिले, स्त्रियों के कटे हुए वक्ष मिले, आखिर मिला क्या इस देश को? इस देश को सिर्फ खून से लथपथ इतिहास मिला, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। आज जो सरकार कदम उठा रही है वो अभिनंदनीय है। शहाबुद्दीन सैफी साहब, ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ में कि अदनान सामी, जिन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है, अदनान सामी ने भी इस बिल पर सरकार का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान के अंदर धर्म के आधार पर मुसलमानों के साथ में कभी भेदभाव नहीं होता, कभी उनको उत्पीड़न का शिकार धर्म के आधार पर नहीं होना पड़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर नहीं होता है वहां पर, और यह बिल सिर्फ धर्म के आधार पर ही जिनके साथ ज्यादती होती है इन तीनों देशों के अंदर किया जा रहा है, तो इसमें मुस्लिम कहां आ गए, मुसलमानों के साथ ज्यादती कहां से हो गई? देखिए जुबेर भाई, सीधी सी बात है, आप बिल को उसको अभी पूरा पढ़कर देख लीजिए, उसका सिस्टम देख लीजिए इसका, और बिल एक बहाना है आज का, ये कल एनआरसी की इनकी। आप उस बिल के पीछे दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आप इस अंदाज में दर्शा रहे, मैं उधर ही आ रहा हूँ जुबेर भाई, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए दूसरी यही सबसे बड़ी बात, आपको इनकी पार्टी ने जुबेर भाई इनकी पार्टी करके कहा है, शिवसेना और अकाली दल दोनों के बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि आप इसको चेंजिंग क्यों कर रहे हो, 1955 में जो बिल था आप उसी को रख दीजिए ना, अमेंडमेंट क्यों कर रहे हो, उसमें क्या जरूरत है आपको, मुस्लिमों को आप उससे बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी नीयत में फर्क है। नहीं, उसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए था, उसमें है सबके, नहीं नहीं सबके लिए, गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए है, किसी जाति का जिक्र नहीं, किसी धर्म का जिक्र नहीं था। मनोज तिवारी जी,
कांग्रेस पार्टी, अगर देखा जाए दूसरे दल भी इस बिल पर विरोध कर रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी इसे, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेता हो, इसे एक दूसरा बंटवारा मान रहे हैं कि 1947 में एक बंटवारा हुआ, अब बीजेपी धर्म के आधार पर बंटवारा कर रही है, बंटवारा है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कल भी हमारी इस मामले पर बहुत लंबी वार्ता हुई थी। नागरिक संशोधन बिल और NRC, मुझे लगता है कि हम लोग नागरिक संशोधन बिल पे चर्चा कर रहे हैं। नागरिक संशोधन बिल का विरोध कांग्रेस इस वजह से कर रही है कि कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुस्तान के तमाम संवैधानिक पदों पर या देश के संसद में बैठने वाले लोग सबसे पहले संविधान की शपथ लेते हैं और उस संविधान की मूल प्रारूप से ये छेड़छाड़ है। भारतीय संविधान की धारा 14 और 15 एक कहती है कि किसी भी नागरिकता को धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहूंगा, कल संसद में बयान आ रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह होती है कि पहले विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है और उनके सवालों का जवाब जो है सरकार देती है। अमित शाह जी का जवाब आ रहा था, मैं देश के गृह मंत्री के ज्ञान पर बहुत आश्चर्यचकित हूं। सबसे पहली बात, बहुत बड़े बड़े धर्मावलंबी जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किस लिए किया जा रहा है? कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो मुस्लिमों की हिमाकत करती है। जी नहीं, कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात बिल्कुल भी नहीं करती है। ये बार बार कहा गया था कि टू नेशन थ्योरी, देश के गृह मंत्री का बयान संसद के पटल पर आता है कि देश की बंटवारा का आधार धर्म था जिसको कांग्रेस ने किया था। मैं उस चीज का प्रतिकार करता हूं पूरे बंटवारे के साथ। मैं वही आधार पर बंटवारा नहीं। जब बार भाई मेरी बात को सुनने का मौका दीजिए, मैं साफ कहता हूं, टू नेशन थ्योरी सबसे पहले हिंद महासभा के द्वारा 1937 में लाया गया था और 1937 का 19वें अधिवेशन में जो हरिद्वार में हुआ था, और उसके बाद क्रमवार चलिए 1939, 1942, 1939 में क्या हुआ था, सिंध प्रांत में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब ब्रिटिश सरकार के अंदर में प्रोविंशियल चुनाव हुए थे और उस प्रोविंशियल चुनाव में कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी से चुनाव जीती थी और मामला क्या बिगड़ा, हिंद महासभा ने विरोध किया था। किस आधार पर? कांग्रेस ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ भारतीय नागरिकों को ठकेल दिया गया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था और इस विरोध के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था। सरकार किसने बनाई? हिंद महासभा ने, जिनकी दूसरी आज पार्टी RSS है और भारतीय जनता पार्टी। आपकी बात है। मेरी बात को जब बार भाई पूरा कर लेने दीजिए। 1939 में जब यह संविधान में आया तो पहले बार लिखा हुआ है, सुमित सरकार की किताब पढ़िए, इतिहास का किताब पढ़िए, 1943 में भारत की धरती पर पहली बार धर्म के आधार पर यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के मातृ संस्था हिंद महासभा के द्वारा लाया गया था। किस तरीके से कांग्रेस इसमें घेरे में आती है? आप कांग्रेस ने कहा नहीं हुआ ना, धर्म के आधार पर देश का, अमित शाह के सवालों का जवाब आपका नहीं हुआ, मैं बताता हूं कैसे। क्या हिंदू महासभा ने यह कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को एक अलग राज्य, स्टेट, मुल्क बना करके दे? सर मेरे पास ये प्रमाण है, मुसलमानों को दे दो प्रमाण। वो तो हिंदू हिंदू हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अलग राज्य बना करके दे दो। हमने तो आज तक ये पढ़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया ये पेपर, ये कहाँ से लेके आया इतिहास। सर उन्होंने अपनी तरह से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात जरूर कही, मगर क्या उनका ये कहना था कि मुसलमानों को अलग करके दे दो? कभी नहीं जा रहे महासभा, आपने बदल दिया। अगर नेहरू जी ने ना किया होता तो हमें इसमें जाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती। देश के लोगों को कब तक गुमराह कीजिएगा? दूसरा मुद्दा जब घुसपैठी और शरणार्थी, इनको यही नहीं पता है कि घुसपैठी कौन है और शरणार्थी कौन है। अगर इनको नहीं पता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि घुसपैठी कौन है, शरणार्थी कौन है। आपका दर्शन क्या है? देखिए, यहाँ अध्यात्मवाद की बात करने वाली महागुरु से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, देश के इतिहास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज का कौन बदल रहा है? इतिहास बदला जा सकता है?
इतिहास बदला जा सकता है। देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए, नहीं बार बार समयांतर पर अभी आप एनआरसी लेके आते हैं, एनआरसी का मामला एनआरसी बीजेपी लेकर के आई, नागरिक संशोधन भी लेके आई, एनआरसी बीजेपी लेकर के आई, कहां का लॉजिक, एनआरसी बीजेपी लेकर के आई, आप 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 अपने चीज और आपकी बात का जवाब मैं दे देता हूँ, मेरी बातों का जवाब दीजिए ना। देखिए तिवारी जी, 1940 में विधेयक आया था, जवाब बताइए, एक एक करके सर, एक एक करके, एक एक करके। गांधी ने ये कहा था कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा, गांधी तो जीवित रहे लेकिन सैकड़ों करोड़ों ठीक है, ठीक है, बंटवारे के पीछे की वजह पर आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, दरअसल इसमें वक्त जाया होगा, किसी और दिन उसके तथ्यों के साथ में बैठेंगे, बात होगी, लेकिन ठीक है, एक सेकंड बोला है, एक सेकंड, का सिद्धांत किसने दिया था, टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत किसने लाया था भारत में, सर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, हिंदू राष्ट्र की बात करने का मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों के एक अलग राज बना करके दे दिया जाए, बताइए, चलिए 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 मैडम, ठीक है ठीक है, तिवारी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, संदीप चौधरी जी एक सेकंड, मनोज तिवारी जी एक सेकंड जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, रेणु भाटिया जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश से आने वालों को यहाँ की नागरिकता दी थी, और जो पाकिस्तान से आए थे उनको क्यों नहीं दी आज तक, क्यों नहीं दी थी, आप कहते हैं कांग्रेस बंटवारा नहीं करती, ये पॉइंट मनोज तिवारी जी थोड़ा सा ये पॉइंट आपके लिए वीक है, मैं इसका जवाब नोट कर देता हूँ, आपने आधी बात कही, अरे कहिए ना, इंदिरा गांधी ने युगांडा के लोगों को भी नागरिकता दी थी, आधार क्या था, अरे बताइए आधार क्या था, अरे आधार क्या था, दो बार देश के संविधान के खिलाफ जाके आधार था, इंदिरा गांधी ने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों को नहीं आने देना है, सिर्फ इतने ही लोगों को आने देना है, देश के संविधान से मत खेलिए, राम को मत बेचिए, धर्म को राजनीति का माध्यम मत बनाइए, कांग्रेस विरोध करती है कि धर्म के आधार पर राजनीति का हम प्रबल विरोध करते हैं और पूरी जिंदगी करेंगे, सेकुलरिज्म का कांग्रेस को नुकसान हो, इससे हमें कोई लेना देना, सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्या कोशिश है, बस सेकुलरिज्म का चोला पहन करके बहस राजनीतिक प्रक्रिया को हवा दी जा रही है, ठीक है, एक सेकंड, मनोज तिवारी जी, चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आप दोनों की तरफ आ रहा हूँ, एक सेकंड, अगर हिंदुत्व की परिभाषा परिभाषित हो, मनोज तिवारी जी, मैं आपको लगातार बात दे रहा हूँ, सर एक सेकंड, आइए, मनोज जी, एक सेकंड, चेतनानंद जी, एक सेकंड, आप संदीप चौधरी जी, ठीक है, ठीक है, जुबेर जी, ठीक है, जब अपने ही शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में तो शेर भी फंस सकता है कुत्तों के जाल में, वो जयचंद जैसे लोगों ने यहाँ पे देश को गद्दार किया, ऐसे लोगों ने देश को तुड़वाया, आज भी ऐसे लोग समाज में हमारे मौजूद बैठे हैं जो इन चीजों को समझने को तैयार, जो इन देशों को समझने को तैयार नहीं है, आप बांग्लादेश दे चुके हो, आप पाकिस्तान दे चुके हो, आप एक हिस्सा और देने को तैयार हो, मेरे साथ एक सेकंड, मनोज तिवारी जी, एक सेकंड, संदीप चौधरी जी, शाहबुद्दीन साहब, ठीक है सर, एक सेकंड, चेतनानंद जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, शाहबुद्दीन साहब, सवाल यह है कि इस बिल का ताल्लुक वाकई मुसलमानों से कुछ नहीं है, जैसा कि अमित शाह ने कहा, कोई वास्ता भी फिलहाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम फिलहाल नहीं, एक सेकंड, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं एक सवाल लेकर के, कि जो इसमें है गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं या ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर प्रताड़ना का शिकार हो, इन तीनों देशों के अंदर हो जाने दीजिए, पास इस बिल के पास होने के बाद आप लोग भी मिलिए प्रधानमंत्री से, बोलिए कि साहब मुसलमानों को भी इसमें प्रावधान कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा एक्ट लाया जाए,
शहाबुद्दीन आपका नाम नहीं है, आपका नाम शहाबुद्दीन तो नहीं है ना सर। एक सेकंड, आप में हिम्मत है तो बोल लो आप इसको। बोलिए मनोज जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। एक सेकंड सर, शाहबुद्दीन साहब, एक सेकंड सर। संसद में जितने देर बहस हुई है, सुनिए सुनिए, आपके आपके कह देने से, आपने कह दिया, आप मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूं। आप कह रहे हैं संसद में जो चर्चा हुई, संसद की चर्चा में कांग्रेस ने कभी कहा है क्या कि धर्म के नाम पर हम अमुक लोगों का विरोध और अन्य लोगों का समर्थन करते हैं? कांग्रेस क्या कह रही है पहले सुनिए, बात तो वही हो रही है। विरोध किस आधार पे कर रहे हैं आप? ये कांग्रेस कहती है कि देश के संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका विरोध आप अपने वोट बैंक के संविधान के साथ नहीं है क्या? आप अपने वोट बैंक के लिए इसका नाम क्या करना चाहते हो? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मुझे शरणार्थी किसको कहते हैं? आप जो नागरिक संशोधन बिल है उसको एक बार फिर से पढ़िए। नागरिक संशोधन बिल कहता है देश में किसी भी तरीके से घुस आए लोग इस देश के नागरिक हो सकते हैं, फिर शरणार्थी और घुसपैठी में क्या अंतर है मुझे समझाइए, समझाइए आप। घुसपैठी वो है जो गलत तरीके से देश के अंदर घुस आए हैं, और जो अफगानिस्तानी है बांग्लादेशी है पाकिस्तानी है उनको वापस भेजा जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा, जो जो भारतीय जो भारतीय अपने वोट बैंक के लिए उनको यहाँ पर नागरिक जो भारतीय अपने वोट बैंक के लिए नागरिक आप घुसपैठी संदीप जी, संदीप चौधरी साहब, संदीप चौधरी साहब, मैं बहुत संजय द्विवेदी जी और शाहबुद्दीन साहब की तरफ लिया जा सकता हूँ। संजय द्विवेदी जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले शाहबुद्दीन साहब, शाहबुद्दीन साहब, एक सेकंड सर, मनोज जी शाहबुद्दीन साहब, मेरा सवाल वही है संदीप जी, एक सेकंड सर, जवाब देते हैं मनोज तिवारी जी, मनोज जी एक सेकंड, शाहबुद्दीन साहब, अगर अभी जो पारित हो रहा है, अभी जो संशोधन हो रहा है, इसमें तो जिस बात का प्रावधान उसको लेकर के आ रही, आप लोग अलग से इस पर कोशिश करके सरकार से मिलकर के एक अलग से एक्ट या एक अलग से चीजें तो करवा सकते हैं ना, अभी इतना हंगामा। सरकार दबंगई से और गुंडई से सरकार चला रही है, जवाब नहीं दे रही जनता ने। आप लोकसभा में, आप लोकसभा में देखे ना अमित शाह जी का बयान और खोली, सुनिए संसद को एक गुंडई का साथ रख दिया, वहां पर मतदान का काम लिया जाए, जवाब देने। और बात रही, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे अपने भाई बहनों के खिलाफ आपसे पूछना चाहता हूँ, बार बार ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को नहीं लाएंगे, जो असम में 15 लाख लोग, 4 लाख मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप उनको क्या मानते हैं? उनको बताइए वो क्या लोग हैं, उनको क्या बताना चाहते हो? उनको क्या चाहते हैं? वो घुसपैठी है, आतंकवादी है, क्या है? लोगों को बताइए आप, उनका जवाब दीजिए उनको। मुस्लिम जिनको देश नहीं मिला था बंटवारे के वक्त, इनको नागरिक संशोधन भी नहीं दिया क्लियर, इनको देश नहीं मिला, उनके हाथ जो लगे थे आपकी तरफ आ रहा हूँ, अपनी अपनी बारी पर बोले, एक सेकंड सर, अपनी अपनी बारी पर बोले, क्योंकि आवाज फिर कोई सुन नहीं पा रहा। जुबैर भाई बहुत इजी है, ठीक है सर मनोज जी जल्दी से अपनी बात, शाहबुद्दीन साहब आज तक, एक सेकंड सुनिए ठीक, एक सेकंड मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। पार्लियामेंट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में चर्चा क्या होती है? राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर बनाते बनाते हिंदुओं को कटवाए भाग गए, उसके बाद दूसरा मंदिर, मैं कह रहा हूँ मुझे कहने की तरफ नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको हर समय अंतर धर्म को बेचने का इंतजार डाला हुआ था, धर्म को बेचने का ठीक है। अब जरा चलिए ठीक है, इस बिल का स्वरूप,
स्वरूप और उसके बुनियाद पर, उसके बुनियाद पर विरोध और तर्क वितर्क के सारी चीजें। सर एक सेकंड सर, अरे सर शाहबुद्दीन साहब, शाहबुद्दीन साहब, अरे सर मुझे सवाल दोहराने दीजिए, एक सेकंड एक सेकंड। आप कहते हैं देश में जनसंख्या की समस्या, मनोज जी मनोज जी मैं वो सवाल लेकर आ रहा हूँ, अरे मैं वो सवाल लाऊंगा सर। आप क्यों एंकर की भूमिका में आ रहे हैं? संजय द्विवेदी जी की तरफ मैं बहुत देर से नहीं जा सका, और अब मैं सरकार के सामने क्या वाकई कोई चैलेंज है राज्यसभा के अंदर, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर के इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? अमेरिका को इतनी ज्यादा दिलचस्पी इसमें क्यों हो रही है? संजय द्विवेदी जी, कोई फैसला तो लिया होगा आप, या अभी भी संशय की स्थिति है? क्योंकि बुधवार को तो राज्यसभा के पटल पर रखा जाना है, 6 घंटे की चर्चा होनी है, उसके बाद आपको तो अपना फैसला देना है, वहां पर साथ में है या खिलाफ में? संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है संजय द्विवेदी जी की तरफ भ्रम ये है जी, भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हो गया है। आवाज आ रही कि नहीं मेरी? भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हो गया है कि सबसे ज्यादा उनको चिंता देश की है, बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी को देश की चिंता नहीं है। ये भ्रम पहले भारतीय जनता पार्टी सेना को किसने रोका सर? जितने सब राज्य के समर्पित है, राज के अलग कोई, ये तो अच्छा भ्रम है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको भ्रम नहीं, राज के विरोध में कोई नहीं रहता, राज सुरक्षा हर पार्टी करना चाहती है, लेकिन जो भ्रम आप लोग पाले हुए हैं तरफ की है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, ये भ्रम अपना निकाल दीजिए। सबकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर कोई बिल आप ला रहे हैं, ये भ्रम की बात ही आप लोगों की होती है, तो कम से कम उसमें बैठ के आपने फैसला लिया है सपोर्ट करने का या अपोज करने का राज्यसभा में? हमने शिवसेना ने मांगी 25 साल तक वोट का अधिकार न दिया जाए, इसमें कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी? अरे सर आप बिल का समर्थन करने राज्यसभा में जा रहे हैं या नहीं? कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी? आप बिल का समर्थन करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? राजनीतिक नीतियां भी बदलती है, और ये पार्टियों की मजबूरी या उनका एजेंडा तो होता ही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनिल मिश्रा जी, ठीक है अनिल मिश्रा जी, अब ये मुद्दा सिर्फ देश के अंदर ही हंगामे के बीच में नहीं है, अब कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। अमेरिका की एक एजेंसी ने यह कहा कि साहब ये तो बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, और अगर दोनों सदनों से पास पारित हो जाता है तो हम सरकार से, अमेरिकी सरकार से कहेंगे कि साहब गृह मंत्री पर और कुछ और लोगों पर बैन होना चाहिए अमेरिका में। देखिए समझने का प्रयास करिए, मदारी डमरू बजा रहा है और डमरू बजा के नचा रहा है। मैं अगर आप सर, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, हमारे साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त फोनलाइन के जरिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, राज्यसभा में फ्लोर मैनेजमेंट हो चुका है या फिर सरकार की किरकिरी होगी? देखिए इसके बारे में अभी तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा विषय है जिसके ऊपर जो भी देश के बारे में सोचेगा वो निश्चित रूप से इस बिल का समर्थन करेगा। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो राजनीतिक होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए राज्यसभा में लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी इस बिल का समर्थन करेंगे। एक एक बहुत जो जोरों शोर से विरोध हो रहा है कि साहब दीजिए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को तीनों देशों के, लेकिन उसमें मुसलमानों को भी जोड़ लिया जाता तो इसमें सरकार के सामने दिक्कत क्या आ जाती है? नहीं, ऐसा है कि हमारा बहुत साफ फंडा है कि जो वहाँ पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे वो अगर हमारे देश, हमारा देश उनको संरक्षण देने का तो वो कहाँ जाएंगे? तो हिंदुओं को संरक्षण देने वाला दूसरा देश तो है नहीं, और इसलिए वहाँ पर जो प्रताड़ित लोग हैं उनको संरक्षण देने के लिए उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है, इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं। इसीलिए वो सवाल कर रहे हैं कि पड़ोसी देश हमारे श्रीलंका और नेपाल भी हैं, वहां से अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग आना चाहते हैं, नागरिकता चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्यों नहीं? देखिए आप सब सारी दुनिया जानती है कि किस प्रकार यह मुसलमान जहाँ जाते हैं वहां पर किस प्रकार हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं,
तो कम से कम हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता करना, ये देश के नेतृत्व है उनको चिंता करना है। ये बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको वोट की राजनीति, उनको कुर्सी की चिंता, हमको देश की चिंता। अंतर यही है कि कुर्सी की चिंता वाले, वोट की चिंता वाले उनकी चिंता कर रहे हैं, पर हम देश की चिंता। 2016 से आप लोगों की कोशिश चल रही है, 2019 आ गया, क्या इस बार ये बिल पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा दोनों राज्यसभा से भी? निश्चित हो गया, हमें विश्वास है कि हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी। तो राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे थे कि आपने सुना उनकी बातें, मगर चूंकि वक्त में आखिरी बिल्कुल चंद मिनट ही बचे हैं, अनिल मिश्रा जी, ये मसला ऐसा जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस पर काफी दिलचस्पी दिखा रही है। इतना सख्त बयान अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था का, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, जो कह रही है कि साहब अमित शाह पर बैन होना चाहिए अगर दोनों जगहों में पारित हो जाएगा तो। निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है, निष्पक्ष होके अगर अमेरिका, जो कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री की, मगर सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं। हाँ वही मैं कह रहा, तो उस पर, लेकिन हम इस बहुत शॉर्ट में आपको बताएं कि देखिए, मैं पिछले पे एक प्रोग्राम में और शायद बोला था कि मदारी डमरू बजा रहा है और सब नाच रहे हैं, पाले में गेंद कब किसके कहां डालनी, बड़ी समझने वाली बात है। अभी इसी पैनल में देख लीजिए, पूरे देश में जो एक भावना, जो एक भावना हो सकती है, आप देखिए या कोई मुश्किल नहीं होने वाली, जो नहीं राज्यसभा में अभी फंसेगा ये, लेकिन अभी ये शिवसेना पर पूरा दारोमदार है, और चूंकि जेडीयू और एक पार्टी और है, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, जो जिस ढंग से उनके सांसदों ने विरोध किया आज और खुलकर बोला, तो उसी से थोड़ा सरकार सशंकित हुई है कि अगर इसमें भी अलगाव हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। फ्लोर मैनेजमेंट रेणु भाटिया जी, लेकिन है एक हफ्ते से इस पर काम चल रहा है, कई सारे मंत्री इसमें लगाए गए हैं। देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट इसे आप कहें या अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता आप कहें, अपने देश की सुरक्षा की चिंता के लिए सभी लोग एकजुट हैं। और जैसा माननीय कैलाश जी ने कहा कि जिन लोगों को अपने राष्ट्र की चिंता है, अपने देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता है, जितना बवाल इतने वर्षों में होता रहा है, जो 70 वर्षों में नहीं रुक पाया, उसको रोकने की जिनको चिंता है, वो हमारे बिल का समर्थन करेंगे या सिर्फ विरोध बस सड़कों पर और संसद? बिल्कुल नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कांग्रेस जो है विरोध मजबूती से करेगी, सड़क पर करेगी और संसद में दोनों तरफ करेगी। चलिए, मैं बहुत माफी चाहूंगा अपने सभी दूसरे मेहमानों से कि मैं आखिरी कमेंट के लिए उनकी तरफ नहीं आ सका, वक्त की तंगी। बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, मनोज तिवारी जी, अनिल मिश्रा जी, संदीप चौधरी जी, शहाबुद्दीन सैफी साहब, चेतन सरस्वती जी और संजय द्विवेदी जी, आप सब लोगों ने वक्त निकाल करके इस अति संवेदनशील मसले पर अपनी अपनी पार्टियों की लाइन और अपने अपने नजरिए से साफ करने की कोशिश की, क्योंकि जनता सब कुछ देखना और समझना चाहती कि क्या वाकई इस पर राजनीति हो रही है या वाकई जो बिल आ रहा है देश हित में है और ऐसे ऐसे मजबूर लोगों के लिए है जिसका विरोध इस वक्त हो रहा है। मगर इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, राज्यसभा की तस्वीर क्या बन रही है, तब तक आप इंतजार कीजिए और अभी हमें दीजिए इजाजत। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। निर्णय हवालों के पशुआ प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।